गुलमर्ग कश्मीर की एक ऐसी वैली जहां सिचुएटेड है एशिया की सबसे हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट गंडोला राइड। तो इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगी गुलमर्ग के वो सारे पॉइंट्स जो आप समर्स में कवर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग। सो श्रीनगर से गुलमर्ग का रास्ता है करीबन 1 से 1.5 घंटे का खाली। सुबह सुबह खाने पीने के पॉइंट्स हमें नहीं मिले एज सच। अभी हम पहुंच गए टंगमर्ग एंड यहाँ से अब थोड़ी चढ़ाई शुरू हो रही है। व्यूज़ एज यूजुअल बेहद खूबसूरत है यहाँ से। हालांकि श्रीनगर में हमें बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है इस टाइम पे, बट गुलमर्ग जाते जाते टेम्परेचर कम हो रहा है। सो आप अपने साथ प्रॉपर जैकेट्स एंड ऑल कैरी करें। बाकी रास्ते तो है ही सुंदर, अब चलते हैं आगे कुछ खाते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप गंडोला राइड करना चाहते हैं गुलमर्ग में, एटलीस्ट 1 हफ्ता या 10 दिन पहले अपनी डेट्स देख लीजिएगा। ऑनलाइन मैं लिंक ऐड कर दूँगी वहाँ पर जाके, बिकॉज हमें अगले 10 दिन का फुल दिखाया था, सोल्ड आउट थी टिकट्स। तो आप अपना प्री बुक ज़रूर कर लेना एटलीस्ट 10 दिन पहले। सुबह सुबह हमें टंगमर्ग के रास्ते में एक दो जगह खुली मिली है एंड हम आ गए स्नो बेकरी पे एंड यहाँ से हमने ले लिया यहाँ की बाकर खानी एंड शीरमाल एंड थोड़े से कुकीज। तो 1.25 घंटे की राइड के बाद में हम पहुंच गए हैं गुलमर्ग एंड अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं आपको पीछे पार्किंग करनी पड़ेगी। तो आज की हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है गंडोला राइड, जिसमें हम फेज़ 1 तक जाने वाले हैं। पार्किंग के लिए आपको पीछे ही गाड़ी रखनी पड़ेगी एंड वहां से आपको वॉक करके जाना पड़ेगा मेन गेट तक। चलते हैं देखते हैं। राइड करके आप पहुंच जाओगे फेज़ 1 पर। क्योंकि हमें फेज़ 2 की टिकट नहीं मिली थी तो हम अफरवत पीक तो नहीं जा सकते हैं, बट हम फेज़ 1 से ही थोड़ा ट्रैक और थोड़े घोड़ों के साथ ऊपर तक जाने का ट्राई करेंगे। आपको जैसे यहाँ से बर्फ स्टार्ट होता है, घोड़ा आपको बर्फ के पास छोड़ देता है, घोड़ा जो है ना बर्फ पे नहीं चलता है, ठीक है ना। जो सर जी फिर वहाँ से बर्फ पे हमारा ट्रांसपोर्ट रहता है वो स्लेज गाड़ी, जिसमें आपको बैठना है, थोड़ा अप हाफ ऑफ द माउंटेन लेके जाते हैं। अच्छा लग रहा है मम्मी? बहुत बढ़िया लग रहा है। Yes, माथुर बताओ। एजेड लोग जो है अगर पेरेंट्स वगैरह तो उनके लिए तो घोड़ा ठीक है, नेगोशिएट कर सकते हैं। बाकी हम जैसे लोग तो शायद ट्रैक करके आ सकते हैं, यहाँ पे कुछ खास डिफिकल्टी नहीं है। हाँ मतलब ये काफ़ी है, बट हार्डली आपको आधा घंटा लगेगा, बट आप पहुँच जाओगे। आधा घंटा भी नहीं लगेगा, चलिए घोड़े हमसे स्लो चले। हाँ वो भी है, बट मान लो मैक्सिमम आपको आधा घंटा लग सकता है अकेले, क्योंकि वो नहीं है एसेंड इतना नहीं है, फ्लैट लैंड है। तो सो नेक्स्ट टाइम आप आओ तो आप खुद से आ सकते हो इस पॉइंट पे। और बर्फ तो आपके लक पर है, मतलब अभी तो क्या ही है, ये बस इतना ही बर्फ होता है, छोटा सा पैच है, बट हाँ अच्छा है। बीच बीच में मेडोज अच्छे हैं, नीचे आपको बोलेंगे कि शूज ले लो, ये ले लो, वो ले लो, अगर डिसेंट स्पोर्ट शूज है या फिर स्नीकर्स है तो आई थिंक काफी चल जाएगा, क्योंकि बर्फ इतनी है ही नहीं है। अगर ज़्यादा स्नोफॉल फ्रेश होती है तब इशू होता है, बट अभी तो बिल्कुल नॉर्मल है। ये यूनियन वालों का रहता है, यूनियन वालों का घोड़ा होता है, हम उनके पास काम करते हैं। आप कैसे बात करते हो इनसे? ये आराम से हमारी बात समझ जाता है। कुछ बताओ कैसे बातें करते हो? मतलब अगर बोलेंगे ना चलो ये चलेगा, जब आगे आगे चलेगी तो इस टाइम बोलेंगे रुको तो रुक जाएगा आराम से। अगर आप पोनी राइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर बार्गेन कर आप जा सकते हैं स्नो पॉइंट तक। तो आपको बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स मिलते रहेंगे यहाँ पर, आप चाय मैगी कॉफी मोमोज खाओ एंड इस व्यू का मजा लो।
ये तो भैया बता दें कि यहाँ पे बर्फ़ इसीलिए क्योंकि इस साल यहाँ पे ठंड में एवलांच आया था, तो इसीलिए पूरा पोर्शन ऑफ बर्फ इधर है, अदरवाइज फेज़ टू जाना पड़ता है। एंड फेज़ टू की टिकट मिनिमम 20 दिन तो आप मान लो आप एडवांस में बुक करना शुरू करना ऑनलाइन, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। फेज़ टू में मज़ा है ऊपर सीधा बर्फ़ में बैठने का, अदरवाइज़ यहाँ तो सब बढ़िया है ही, चल है जैसे हर पहाड़ पे मिल जाता है। तो फेज़ वन गंडोला होने के बाद में आप आ गए हैं थोड़ा सा लंच करने मियासा कैफ़े एंड लाउंज में। काफ़ी अच्छा सा लग रहा है अंदर से, चलिए चलते हैं। ब्रूइंग कॉफ़ी इज़ ब्रूइंग, लेट्स गो। तो कैफ़े में खाने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस अपने कार की तरफ। कैफ़े का खाना काफ़ी डिसेंट लगा हमें, हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया विच वॉज़ फाइन, पास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बट कॉफ़ी बहुत बढ़िया थी। तो अगर आप कॉफ़ी पीना चाह रहे हो दिस कैन बी योर स्टॉप, एंड वेल मेंटेन्ड है। फूसबॉल और स्नूकर के लिए आपको पे करना पड़ेगा 700-500 रुपीज़ पर आवर विच वॉज़ क्वाइट इनसेन, बट इट इज़ वॉट इट इज़। एंड इसी के साथ यहाँ पर मेरे साथ में आप देख सकते हो पूरा गोल्फ कोर्स है, यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है पर यहाँ पे बहुत सुंदर फूल उगे हुए हैं ल्यूपिन नाम के, एंड बहुत ही प्यारा नज़ारा है। बाकी तो ये पूरी वैली है जहाँ पे आप चिल कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। मेनली लोग यहाँ पे गंडोला राइड के लिए आते हैं, आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। अगर आप एक बहुत ही अच्छी लग्जूरियस प्रॉपर्टी चाह रहे हैं तो खाइबर रिजॉर्ट में आप रुक सकते हो, बहुत ही एवन है। उसके बाद में नीडोज में आप रुक सकते हो, हम लोग वहाँ पे ठंड में जब भी जाते हैं वहीं रुकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी है नीडोज। अगर आपको पीक्स के पास रुकना है तो आप अफरवत पीक नाम का एक होटल है वहाँ पे भी रुक सकते हो। ये 3-4 अच्छे होटल हैं यहाँ पर, एंड बाकी तो लेजर है, आप पिकनिक करो। यहाँ पे आसपास बहुत सारे शॉप्स हैं, छोटे मोटे कैफेज खुल चुके हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे। आप सेंट मैरी चर्च और महारानी टेम्पल भी जा सकते हैं, बट मैं आपको लेके चलती हूँ अपने फेवरेट ल्यूपिन पार्क में। आई मीन लुक एट दिस प्लेस मैन, इतने कलर के फ्लावर्स हैं यहाँ पे। सो बेसिकली आप देख सकते हो ल्यूपिन पहले वाइट होता है, जैसे ये पूरा ग्रीन है, एंड देन ये ऐसे पिंक में कन्वर्ट होते होते इट बिकम्स दिस। इजंट इट सो ब्यूटिफुल, आपको पहले वाइट दिखेगा, पिंक दिखेगा, एंड दिस पर्पल। जब भी आप गुलमर्ग आ रहे हैं ल्यूपिन पार्क आना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बिल्कुल मेन चौक से पास में है। एंड लुक एट द व्यू मैन, नॉट जस्ट द फ्लावर्स बट जस्ट बिहाइंड मी, इट्स जस्ट सो मच अडोरेबल कि मेरा मन ही नहीं हो रहा है यहाँ से जाने का, इतनी सुंदर जगह है। अब हम आ गए हैं गुलमर्ग के व्यू पॉइंट पर, क्या गजब का नज़ारा है यहाँ से। लिटरली ये पूरा टंगमर्ग का एरिया है एंड पीछे पूरा श्रीनगर। ये फ्लावर्स देखो यार लाइन से उगे हुए हैं, ओए होए 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 ब्यूटीफुल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज़ द्रंग वाटरफॉल, जो कि ठंड में तो बहुत फेमस है, हम गए हैं बट इस बार गर्मी में देखते हैं हाउ इज़ द फ्लो। सो अगर आप गर्मियों में द्रंग वाटरफॉल आने का सोच रहे हैं तो मत आइएगा प्लीज़, वाटरफॉल के नाम पे अभी ये नहर से भी छोटा है, बहुत ही बुरा हाल है और भीड़ भी है पता नहीं किस वक्त। सो इसी के साथ इस गुलमर्ग ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।